जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक एमएलएम रिव्यू पर। सो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेबल दाओ में किस तरीके से हम हमारे अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको टॉपअप कर सकते हैं उसमें और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और आपकी टीम में भी आप इस चीज़ को फॉलो करवा सकते हैं। सो यहाँ पर देखिए, ये मेरा वॉलेट, इनकम वॉलेट, थोड़ा मैं आपको डैशबोर्ड बता देता हूँ। जब तक यहाँ पर इनकम वॉलेट जो हम इसको विड्रॉल कर सकते हैं, जो हमारे को लेवल के थ्रू और हमारा जो डेली रिवॉर्ड है यहाँ पे से उसके थ्रू आता है, या डिपॉजिट वॉलेट बैलेंस जो भी हम डिपॉजिट करेंगे वो यहाँ पे मिलेगा, जो अभी हम करने वाले हैं डिपॉजिट। यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है वो दिखेगा, लेवल आप यहाँ दे सकते हैं, आपका एफिलिएट लिंक यहाँ से कॉपी करके आप किसी को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लोजिंग होगी वो 21 hours 5 minutes और 19:18 seconds बाद जो होगा ये क्लोजिंग होगा और इनकम जनरेट होगा नेक्स्ट क्लोजिंग का। और यहाँ पर EPD जो रिवॉर्ड, मतलब अभी जो रिवॉर्ड पॉइंट चल रहा है लीड डिपॉजिटर प्रोग्राम, जो भी मेम्बर डिपॉजिट करेंगे तो उनको स्टेबल पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसके लिए अभी 21 दिन बाकी है। सो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जितना आप पैकेज बाय करेंगे, जितना आपकी टीम पैकेज बाय करेगी, उसका 50% के हिसाब से स्टेबल पॉइंट का आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा ऊपर तक। या इसके बाद आपका टोटल माय एसपी, आपका खुद का एसपी देख सकते हैं, माय टीम एसपी और टोटल टीम एसपी वगैरह आप यहां से देख सकते हैं। टोटल डायरेक्ट आप यहां पे से चेक कर सकते हैं, टोटल आपकी जो पार्टिसिपेट टीम है वो देख सकते हैं। KYC आप यहां पे से कितना अप्रूव मेंबर हो चुके हैं वो आप यहां पे से देख सकते हैं। इसके अलावा ये और भी चीज़ें हैं, टोटल बिजनेस वॉल्यूम देख सकते हैं, EPD रेफरल इनकम जो हमारे को EPP में अर्ली पार्टिसिपेट प्रोग्राम में मिला था वो है, फिर डेली ROI देख सकते हैं, लेवल इनकम देख सकते हैं, पूल ए इनकम, पूल बी इनकम देख सकते हैं। तो जो भी आप क्वालिफाई करेंगे उस तरीके से आपको यहाँ पे से मिलेगा। या देखिए पूल बी इनकम में मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे कि कल के डेट में ये रिसीव हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो है पूल बी में जो क्राइटेरिया है वो दो क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुके थे, इसलिए यहां पे से ये कुछ इनकम जनरेट हुआ है। तो अभी हम इनको विड्रॉल करेंगे, बट इनको विड्रॉल करने का क्या प्रोसीजर है, उसके लिए क्या कंपलसरी है, देखिए सब कोई विड्रॉल कर सकता है, बट विड्रॉल करने के लिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो माय एसपी पॉइंट है, यहाँ पे एक स्टेबल पॉइंट होना ज़रूरी है आपको। अभी मेरा नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे यहाँ पे एक स्टेबल पॉइंट लेके आना होगा। तो देखिए कैसे आएगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक स्टेबल पॉइंट के लिए हमारे को यहाँ पे पैकेज को बाय करना, तो बाय पैकेज पर हमारे को क्लिक करेंगे, तो अभी हमारे पास तो फंड है नहीं, तो डेफिनेटली एसेट्स पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको डिपॉजिट वॉलेट USDT TRC 20, इसको हम कॉपी करेंगे, इस एड्रेस को इसको हमने कॉपी किया, ओके। एंड देन हमारे को बाइनेंस पे आना है, और बाइनेंस पे आने के बाद हमारे को यहाँ पे से फंडिंग वॉलेट में जाना है, एंड देन विड्रॉल पे जाना है, और USDT को हमारे को विड्रॉल करना है, और ये क्रिप्टो नेटवर्क के थ्रू हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, गॉट इट पे क्लिक करना, फिर एड्रेस जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे डालना है, नेटवर्क जो है USDT TRC 20 का नेटवर्क है, ये आप यहाँ पे से देख भी सकते हैं, इनका USDT TRC 20 का डिपॉजिट एड्रेस आपको ये मिला हुआ है, यहाँ पे से आप क्लियर कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे हमारे को कितना डालना है, तो 100 डालना है, तो 0.8 इतना कुछ हमने डाल देते हैं। सो इतना कुछ डाल देते हैं हम यहाँ पे से, या देन विड्रॉल पे हम यहाँ पे क्लिक करना है, विड्रॉल पे हम क्लिक करते हैं, कंफर्म पे क्लिक करते हैं, रिस्क वार्निंग को वेरीफाई करने का बोल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ हो सकता है क्वेश्चन आंसर करने लगे यहाँ पे, बट मैं अगेन कंफर्म पे क्लिक करता हूँ, वापस बैक होने दीजिए, इसको थोड़ा हमारे से गलत हुआ है। यहाँ पे हमारे को जो डालना है, हमारे को रिसीव होगा 108, या डेफिनेटली सही है, कंफर्म पे क्लिक करना है, एंड अगेन कंफर्म पे क्लिक करना है, एंड ये कोड आएगा, हमारे को दोनों कोड पे क्लिक करना है, मेल आईडी हमारी ओपन कर लेते हैं हम,
या बाइनेंस का ये कोड आया हुआ है, इसको हम कॉपी करते हैं। देन यहाँ पे बाइनेंस का ये कोड जो वेरिफिकेशन का यहाँ पे डालते हैं, और मोबाइल पर जो कोड आया हुआ है उसको हम अभी यहाँ से कॉपी करते हैं एंड देन इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड सबमिट। ये हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। इतना व्यू हिस्ट्री पे अभी हम जाते हैं, तो अभी ये प्रोसेसिंग पे है, तो ये जैसे ही कंप्लीट होता है तो वो हमारे को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। कहाँ पर? यहाँ पे, ये डिपॉजिट वॉलेट बैलेंस जो है यहाँ पे हमारे को पूरा फंड शो होगा। तो अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं एंड देन रिफ्रेश करते हैं। या यहाँ पे वापस अगेन चलते हैं, यहाँ पे ये कंप्लीट, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेसिंग तो वहाँ पे फंड ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लगे, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी, तो अभी हम वेट कर लेते हैं कितना टाइम लगता है।